जनपद में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते संविदा कर्मी लाइनमैन की करंट की चपेट में आ जाने के चलते मौत हो गई। यह ताजा मामला जनपद बदायूं में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव नौना का है, जहां 2 नवंबर को उदयपाल पुत्र परमेश्वरी उम्र 45 वर्ष संविदा लाइनमैन अपने ही गांव में एचडी लाइन पोल टूट जाने से शटडाउन लेकर जम्फर काटने को दूसरे पोल चढ़ा। मिली जानकारी के मुताबिक शटडाउन लेने के बाद भी तारों में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से उदयपाल पूरी तरह झुलस गया और 6 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग द्वारा आज तक किसी अधिकारी ने परिजनों से कोई जानकारी या आर्थिक सहायता देना उचित नहीं समझा और न ही फोन द्वारा कोई जानकारी ली। इसी को लेकर गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस्लाम नगर बहजोई रोड पर बने बिजली घर के सामने मृतक उदयपाल के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इस्लाम नगर उप जिलाधिकारी बिलसी संजय कुमार सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी बिलसी संजय कुमार रेड्डी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के काफी समझाने के बाद पीड़ितों की मांग पूरी होने का आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। मृतक उदयपाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बच्चे लड़कियां और 2 लड़के हैं। मृतक उदयपाल का परिवार बहुत ही गरीब व असहाय परिवार है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। अब देखना यह होगा कि पीड़ित को प्रशासन द्वारा आश्वासन देने के बाद विभाग द्वारा कोई आर्थिक मदद दी जाती है या फिर दर दर भटकने को मजबूर किया जाता है।